तो आज खाने की मिठास के छोटे से किचन में बन रहा है चिकन ब्रेड पॉकेट। और ये दिखने में जितना कलरफुल है खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है, और ये जल्दी से भी झटपट सा भी बन जाता है, और देखने को इतना कलरफुल है एक खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, कम से कम इसे आप तो 4-5 तो आराम से खा लेंगे। और ये इतना प्यारा सा इतना कलरफुल ब्रेड पॉकेट कैसा बनता है देख लेते हैं। तो मेरा चैनल का नाम है खाने की मिठास। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है और इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए इस तरह से मैंने पीस काट लिया है। चलिए इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। जैसे तो 1 चम्मच इसमें दही शामिल करेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 चम्मच कश्मीर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला शामिल करेंगे, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच ऑनियन पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ 1 चम्मच मैंने विनेगर शामिल करूँगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है 1 चम्मच लेमन का जूस शामिल कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए ढककर एक साइड में छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद फिर से हम मिलेंगे। तो 10 मिनट हो चुका है। मैंने पहले से ही कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डाल के इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो हम लोग रेस्ट ऑफ चिकन रखा था मैरिनेट करके गर्म तेल में डालेंगे और इस मीडियम फ्लेम में 6 से 7 मिनट अच्छे तरह से इसे इसकी भुनाई करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने भुनाई की चिकन की, तो हमारा चिकन देखिए पूरा सूखा सूखा होके हमारा चिकन बनके तैयार होगा। लगभग ये 3 से 4 मिनट में हमारा चिकन बनके तैयार हो जाता है। तो अब इसको हम स्मोक देंगे। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन में स्मोक देने से अच्छा लगता है। तो इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जलता हुआ कोयला रखेंगे और इस पर थोड़ा सा तेल डाल के ऊपर से हम ढक्कन ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो स्मोकी फ्लेवर जो आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा चिकन 1-2 मिनट के लिए। तो है तो अब मैं खोल के दिखाऊंगी। हमारा चिकन भी स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। तो अब इसका जो कप है उसको बाहर निकाल देंगे। तब इसको ढककर हम एक साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड के यहाँ मैंने फ्रेश ब्रेड यहाँ पे लिया है, 4 से 5 पीस लिया है, और इसको देखिए यहाँ पे मैंने लिया है और इसको एक साइड में हम रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो रोटी बेलन के ऊपर या प्लेट के ऊपर रख के हम जो ब्रेड के जो साइड है ना उसको काट लेते हैं। इसको फेंकिएगा मत, बाद में इसका ब्रेड क्रम करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको एक साइड में रख देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, बेलन से अच्छी तरह से बेल लेंगे। देखेंगे देखिए चारों तरफ से मैंने पूरा बेल लिया है। अब देखिए मैं आपको पास से भी ला के दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब हम कोई भी एक कटर लेंगे, इसको गोल शेप से काट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने काट लिया। यहाँ पे मैंने बाउल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैं निकाल के दिखाऊंगी। देखिए कुछ इस तरह से मैंने गोल गोल निकाल लिया है। अब इस तरह से हमने सारे ब्रेड को गोल आकार से निकाल लिया। देखिए कुछ इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें 2 अंडे हम शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरह से फेंट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो ब्रेड क्रम लिया है वो होममेड है। आप चाहे तो बाजार का भी ब्रेड क्रम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने होममेड इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड का जो सर्कल बनाया था उसको क्या करेंगे, अब हम एक जो फेंटा था उसमें अच्छे तरह से डीप करेंगे। ध्यान रखिए आपको एक में अच्छे तरह से उलट पलट करके अच्छे तरह से आपको डीप करने से ही आपका जो ब्रेड है ना वो फूलेगा, नहीं तो नहीं फूलेगा। तो इस तरह से आप अच्छे तरह से 1 से 2 बार अच्छे तरह से डीप कर लीजिए और इसको हल्के हाथ से उठाकर ये जो हमारा ब्रेड क्रम है ना इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे तरह से उलट पलट कर कोटिंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने पूरी तरह से कोटिंग कर लिया है। मैं पास से भी ला के दिखाऊँ। देखिए इस तरह से मैंने कोटिंग कर लिया। इस तरह से मैंने सारे ब्रेड के जो ब्रेड को कोटिंग कर लिया है। तो अब इसे चलिए हम डीप फ्राई करते हैं। तो पहले से ही मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया था, वो भी धीमी आंच में किया था। हाई में नहीं करना, क्योंकि हाई में करने से जब भी हम ब्रेड डालेंगे
तो जल्दी से जलने का डर रहेगा। तो फिर मैंने पहले से ही धीमी आंच में तेल को अच्छे तरह से गर्म कर लिया है। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में ले लेंगे और इसमें एक एक करके जो ब्रेड को जो कोटिंग किया था गरम तेल में डालेंगे। एटलीस्ट आप एक या दो ही डालिए, इस तरह से डालेंगे। विद इन आपको देखेंगे हाफ मिनट में आप ये ब्रेड है फूलने लगेगा। देखिए जैसे ही फूलता है आप उसे टर्न कर लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से आपका ब्रेड पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इसे तेल से छान लीजिए, आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए। मैंने यह होममेड किया था जो ब्रेड का साइड का था, इसलिए थोड़ा सा रेड आया। अगर आप बाहर का ब्रेड क्रम इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये सफ़ेद ही आएगा। इसी तरह से हम दूसरे भी छान लेंगे। यहाँ पे मैंने अपना होममेड का इस्तेमाल किया था, इसलिए मेरा जो ब्रेड क्रम पॉकेट है थोड़ा सा हल्का सा रेड आया। अगर आप वाइट ब्रेड से करेंगे या बाहर का ब्रेड खरीद के लाएंगे तो आपका वाइट नज़र आएगा। तो ये आपके ऊपर चॉइस है। तो इस तरह से हमने सारे पॉकेट्स को तेल से निकाल लिया है। अब इसको हम असेंबली करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, जैसे पे मैंने हरी शिमला मिर्च लिया है, लाल शिमला मिर्च लिया है और ग्रीन शिमला मिर्च लिया है, थोड़ी सी प्याज लिया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ लेट्यूस लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे पत्ता गोभी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सॉस बनाएंगे जिसमें हमने प्लेन मेयोनीज डालेंगे 2 चम्मच और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ग्रीन हरी चटनी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो फिर इसको भी एक साइड में रख लेंगे। अब तंदूरी चिकन को भी लाएंगे, यहीं पर रख देंगे। तो सारे हमारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। तो अब इसको चलिए हम पॉकेट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड लिया है, पहले मैं सोची छुरी में काटूंगी, फिर सोची नहीं कैंची में काटने से बहुत अच्छा से कट जाता है। देखिए कुछ इस तरह से कैंची से काटने से बहुत आसानी से और बहुत ही प्यारा सा कटता है। मैं पास से भी ला के दिखाऊँगी, देखिए कितना शानदार है ना पॉकेट हमारा। तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो मेयोनीज और ग्रीन चटनी जो हमने सॉस बनाया था उसको अच्छे तरह से हम लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब इसमें हम लेट्यूस के पत्ते रखेंगे। अब इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्राइड हुआ चिकन रखेंगे। उस पर आप अपने हिसाब से सब्जी, ग्रीन शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, प्याज और रेड शिमला मिर्च डाल के डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैंने पहले उस तरह से क्रिएटिविटी किया, फिर इस तरह से मैंने क्रिएटिविटी करूँगी। थोड़ा सा ऊपर में पहले चिकन रखा था, फिर बाद में सब सॉस भी डालूँगी। तो अपने हिसाब से आप अपने कोई भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे पॉकेट्स बना लिए। अब इस पर थोड़ा सा मैं चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर सॉस इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँगी। आप अपने हिसाब से टमाटो सॉस या मेयोनीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए कितना आसानी से और कितना प्यारा सा कलरफुल सा ब्रेड पॉकेट बनके तैयार हो। तो ये रेसिपी आपको मेरे साथ कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ फिर से मैं आप सबसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़। वाह क्या स्वाद है।